जय श्री श्याम प्रेमियों, भक्त जनों, ये कहानी पांडव कुल में जन्मे वीर बरबरी की है। महाभारत युद्ध लड़े बिना ही कैसे वो वीर बालक, महाभारत काल का एक ऐसा नाम जो आज इस कलयुग में घर घर में पूजा जाता है। त्रिलोकी श्री कृष्ण के वरदान स्वरूप आज वो बालक बरबरी बाबा श्याम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिनका पावन धाम राजस्थान के खाटू नामक गांव में है। आइए इस कथा को सुनते हैं। जय श्री श्याम। कुल की निशानी महाभारत का युद्ध लड़ने की थी मन में ठानी। श्री कृष्ण ने इस बालक की शक्ति थी पहचानी। सुनो गौर से पूरी कहानी, अब ये मेरी जुबानी। आदि शक्ति से शक्ति पाकर फिर था शिव को मनाया। ध्यान मगन हो शिव की साधना में वो ध्यान लगाया। आशीर्वाद है पाया। देख लाल को सामने अपने माने गले लगाया। बजा बिगुल महाभारत का बालक ने इच्छा जताई। मैं भी लड़ूंगा युद्ध, ये माँ से मन की बात बताई। माँ ने कहा अगर बेटा तुम युद्ध क्षेत्र में जाना, जो भी हारेगा बेटा तुम उसका साथ निभाना। आज्ञा को लेकर वो बालक चल दिया कुरुक्षेत्र की ओर। अपने मन में तरह तरह की युद्ध कौशल रणनीति बनाते बनाते
जाके खूब लड़ेंगे आज रण में, ये सोच सोच हर शाये जाके खूब लड़ेंगे आज रण में, ये सोच सोच हर शाये। नहीं मैं लौटूंगा खाली, चाहे मिल गए साधु रूप में उसको कृष्ण मुरारी। पूछा कृष्ण ने, हे योद्धा तेरी कहाँ की है तैयारी, जा रहा लड़ने युद्ध क्षेत्र, हारे का साथ निभाने, इस युद्ध में जो भी हारेगा उसको जीत दिलाने। मांग लिया फिर श्री कृष्ण ने शीश दान में उसका, शीश दान देने में वो बालक तनिक नहीं भी हिचका, तनिक नहीं।